गोरखपुर, फर्रुखाबाद और अब कानपुर। जब मौत लापरवाही से होती है तो उसे हत्या कहा जाना चाहिए और ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। आईसीयू यानी किसी भी अस्पताल की वो यूनिट जहां एक छोटी सी गलती करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन कानपुर के हैरिट अस्पताल में 5 दिन से एसी खराब था। शिकायत भी हुई लेकिन उसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये कि 5 लोगों की जान चली गई। अब मौत हुई है तो जांच भी होगी, सियासत भी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आगे से जानलेवा लापरवाही किसी की जिंदगी को छीनने का कारण नहीं बने। ये तस्वीरें आज की हैं। एक दिन पहले यही बीमार सिस्टम ने 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी वार्ड का एसी पिछले 5 दिन से खराब था। इंचार्ज ने बकायदा पत्र भी लिखा, परेशानी भी बताई, कहा आईसीयू का एसी खराब है, लेकिन हैरिट अस्पताल प्रशासन तो मानो 5 मौत के इंतजार में था। मरीज कराहते रहे, तीमारदार भी लाते रहे, लेकिन प्रशासन नींद में सोया रहा। परेशानी आ रही है सर, यहाँ पेशेंट मर रहा है तो मर ही रहा है बिल्कुल, मतलब यहाँ एसी वैसी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है सर। बता रहे हैं ना 22 तारीख से हम फैन लेके आए हुए हैं सर, कभी घंटे के कभी 2 घंटे चल जाता है, जब डॉक्टर की एंट्री होती है तब तो चलता दिखता है, बिल्कुल एकदम से खराब सर। 4-5 दिन हो गए। पेशेंट तो आए दिन मरते ही रहते हैं, चलवा दे लेकिन हमें बच्चा का पंखा नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद हैरिट अस्पताल में सब कुछ ठीक हो गया। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बताती है कि दरअसल अब स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई में स्ट्रेचर पर आ चुकी है, जिसे एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। आईसीयू में एसी खराब होने से 5 की जान चली गई, फिर भी अस्पताल प्रबंधन नहीं जागा और घटना के कुछ घंटे बाद ओपीडी का एसी खराब हो गया, स्ट्रेचर पर ठीक कराने के लिए ले जाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर उस असहाय तीमारदार की है, जिसे यहाँ के स्टाफ ने अस्पताल से सिर्फ इसलिए चलता कर दिया कि वो घर से अपने मरीज के लिए पंखा लेकर पहुँचा था, लेकिन स्टाफ को ही नागवार गुजरा। अब जबकि 5 लोगों की सांसें थम चुकी हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री ठीक वैसे ही बयान देने के लिए सामने आए जैसा गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मासूमों की मौत के बाद दिया था। देखिए, उसकी जांच की जा रही है और उसके जो मंत्री हैं हमारे साथ हैं, जो हैं आशुतोष टंडन जी जो मेडिकल कॉलेज के हैं, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है और जो भी इस पे दोषी होगा उस पे कार्रवाई। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल की याद दिला रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है सरकार ने, और एक जगह नहीं ऐसी घटना सुनने को मिल रही है। जो जानकारियां आ रही हैं पूरे प्रदेश से आ रही हैं, एक तो एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपने कंधों पर, लोग अपने टांगों पर, लोग अपने इंतजाम कर करके रिक्शे पर, ट्रॉली पर ले जा रहे हैं अपने बीमार परिवार के सदस्यों को, और अस्पताल में अगर पहुंच जाए तो इलाज नहीं मिल रहा। अभी देखिए केजीयू में क्या हुआ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी बातचीत करते उन्हें भरोसा दिलाते। अगर सरकार भरोसा खो जाए तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो कानपुर में घटना हुई है वही दर्दनाक घटना है, और इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ सभी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब लापरवाही की कीमत मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाई, तो ऐसा लगा कि इन मासूमों की मौत मृत पड़े सिस्टम में कुछ तो जान डाल देंगी, और आने वाले समय में कम से कम लापरवाही की वजह से किसी को अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। मगर अफसोस, गोरखपुर की घटना के लगभग 10 महीने बाद एक बार फिर लापरवाही ने 5 लोगों की जान ले ली, और एक बार फिर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। लखनऊ से हरेंद्र स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज चर्चा इस बात पर, जब लापरवाही से जान जाती है तो क्यों ना इन्हें हत्या माना जाए, और आखिर यहाँ पर लापरवाही एक के बाद एक कैसे रिपीट हो रही है, और उससे भी बड़ी बात ये कि कोई कड़ी कार्रवाई होगी या फिर नहीं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो पहले अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे।
बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। साथ में जगदेव सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगदेव जी आपका। देवेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। और साथ में डॉक्टर आर के सैनी जो संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य यूपी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सैनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो राकेश जी कौन जिम्मेदार है इन 5 मौतों का? देखिए प्रीति जी मैं बहुत निवेदन के साथ फिर कह रहा हूं कि इस मामले में जब तक ये तय ना हो जाए कि मौत किन के कारण क्या है तब तक ये कह देना कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है ये बहुत जल्दबाजी होगी। मौत एक संवेदनशील मसला होता है। संवेदनशील मसले पर कोई भी बात कहते समय हमको पूरी संवेदनशीलता का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मौत का कारण एसी के प्लांट फेल हो जाना और प्रशासनिक लापरवाही है तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मौत का कारण स्वाभाविक मृत्यु है क्योंकि गंभीर प्रकृति के मरीज वहां भर्ती कराए जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में कोई सर्दी जुखाम बुखार का इलाज कराने नहीं आता है, रेफर केसेस ज्यादातर होते हैं, गंभीर प्रकृति के मरीज होते हैं और सभी मरीजों को बचा लिया जाए ये भी संभव नहीं होता है। नहीं, तो ऐसा प्रतिदिन के लिए लगभग रोज होता है कि राकेश जी जिस संजीदगी के साथ आप जवाब दे रहे हैं और जिस संवेदनशीलता की आप बात करें वो हम भी रखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा तिलमिलाए हुए भी हैं कि आईसीयू वो यूनिट है जहां पर जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है उन लोगों को एडमिट किया जाता है और वहां एसी जैसी सुविधा का ना होना, तो क्या आपको लगता है कि एसी होता या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा प्रीति जी, मैं इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा। एसी शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पर 2 एसी लगे हुए थे, दोनों प्लांट जो है एसी के वो शॉर्ट सर्किट के कारण फेल हुए। अधिकारियों ने वहां प्रशासन ने इन एसीज को चलाने के लिए नए मोटर्स की व्यवस्था वहां करने की कोशिश की लेकिन वो मोटर भी सक्सेसफुल नहीं रहे, वो फेल हो गए। दिल्ली से टीम बुलाई गई है कि वो जल्द से जल्द ठीक करें। जिलाधिकारी ने दो एसी वहां उसी समय लगवा दिए थे, बाद में 4 एसी और लगवाए गए हैं। यथासंभव सारे प्रयास वहां किए गए हैं कि किसी की जान के पर आफत ना आवे, किसी की जान खतरे में ना आवे। जी राकेश जी अभी आप और हम बड़े आराम से स्वस्थ हैं पूरी तरीके से और बात कर रहे हैं, अगर हमारे जहां बैठे एसी बंद हो जाए तो हमें बेचैनी होने लगेगी। क्या अस्पताल की ऐसी जगह है जब स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए तब जाकर आप जागेंगे? जब ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाए तब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई? जब एसी बिल्कुल काम करना बंद कर दे तब आप यहां पर दूसरी व्यवस्था करेंगे? मरीज के तीमारदार कह रहे हैं कि कई दिनों से खराबी थी, इंचार्ज ने बकायदा शिकायत की थी, फिर क्यों इतने हल्के में लिया गया? देखिए प्रीति जी मैंने पहले ही कहा है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 4 सदस्यीय कमेटी की अपनी रिपोर्ट शनिवार तक यानी कल तक ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और उस रिपोर्ट में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही निकल करके आती है तो जिम्मेदार लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी। डीएम कानपुर को इस संदर्भ में निर्देश किए गए हैं कि वो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मेडिकल कॉलेज में हालात पर नजर बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही वहां नहीं होनी चाहिए। अब स्वयं डीएम वहां देख रहे हैं, समय वहां एसी के प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, दिल्ली से टीम भी आ गई है, वो मामला को देख रही है। हाँ बिल्कुल राकेश जी, जब आप ये बातें हमसे करते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि हम आपकी बातों पर यकीन करें और ये मान लें कि आगे से लापरवाही नहीं होगी। गोरखपुर का जब मामला हुआ था इससे भी ज्यादा आप लोगों ने कड़े शब्दों में कहा था कि लापरवाही आगे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर फरुखाबाद का मामला आता है तो कहीं ना कहीं जो नसीहत आप देते हैं जो पिछले मामलों में कार्रवाई होती है उससे आगे वाला कुछ सबक नहीं लेता क्योंकि शायद उसको कोई ऐसी वजन नहीं दिखाई देता कि अगर वो ऐसा कोई काम करेगा तो वो उसको कोई सजा होगी, उसको लगता है कि तो चलता है यहाँ पर। ठीक है देवेंद्र जी, क्या वाकई में इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि जो कड़ा रुख बीजेपी का है अब आगे से कार्रवाई नहीं होगी और जो ये घटना थी कार्रवाई सब हो रही थी लेकिन मरीज क्योंकि आईसीयू में थे तो क्रिटिकल स्थिति होने की वजह से जान चली गई? देखिए प्रीति जी मैं बहुत ईमानदारी के साथ बात रखूंगा अपनी, किसी भी सरकार की कुछ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और सरकार का मुख्य कार्य यही होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क। हम समझते हैं सरकार को ये चीज अपनी जनता को, जिस जनता के वोटों के द्वारा सत्ता में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, हम समझते हैं उसको पूरा ही करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने वादे किए हों या उत्तर प्रदेश में अपने लोक संकल्प पत्र में वादे किए हैं, चारों खाने पे फेल है। जितने भी वादे इन्होंने जनता से किया था उस सारे वादों को इन्होंने धूल में उड़ा दिया है, चाहे वो
हैलेट अस्पताल में हमारे उन मासूम 5 लोगों की जान गई हो, एक बिजली के कारण, एसी के कारण, और चाहे वो मुख्यमंत्री जी के जिले में जो है पिछले साल सैकड़ों बच्चे जो मौत के काल में समा गए ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीजन की कमी के कारण, और चाहे वो शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, प्रदेश के न जाने कितने जिलों में स्वास्थ्य महात्मा बिल्कुल फेल रहा है। बिजली की हालात प्रीति जी क्या है, आपने खुद अभी कहा कि किसी भी कुछ एक ऐसी जगह होती हैं जहां पे बिजली की आवश्यकता बहुत होती है, चाहे कंप्यूटर रूम हो या हमारा जो जहां हम बैठे हुए हैं, अब यहां मान लो बिजली चली जाए तो हम बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो लैब हो चाहे वो आईसीयू हो। हम समझते हैं ये बड़े बड़े खोखले थोथले वादे करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चारों खानों पर फेल है। केवल इनके जुमलेबाजी, झूठ और नफरत फैला करके सत्ता में किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके ये बने रहना चाहते हैं। हाँ। चाहे इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, केवल झूठ का सहारा लेकर के, केवल झूठ बोल करके जनता के आंखों में धूल झोंकना, तो जनता को नाना प्रकार के आज हालात प्रीति जी उत्तर प्रदेश का ये है, कहीं भी आप ट्रैफिक व्यवस्था में चले जाइए, कोई पुलिस नहीं दिखती है, हर जगह पे हाहाकार मचा हुआ है, जनता ठीक है देवेंद्र उबाल खा गई है। अब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये प्रदेश की जनता जो सबक सिखाने जा रही है, इनके होश पाकते हो जाएंगे। इनकी समझ जिस तरीके से मैं नूरपुर में, कैराना में, गोरखपुर में, फूलपुर में ये पूरी तरह शिकस्त पाए हैं, उसी तरह के पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है जगदेव जी, इसे क्या महज लापरवाही माना जाए? किसी की जान जाती है, इन्हें कैराना नूरपुर याद आता है। ये एक कैसे गैर संवेदनशील, जिनके संवेदन नहीं है, संवेदनहीन लोगों को चर्चा में कृपया करके मत बैठाइए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोगों की जान जाने पर हमारी संवेदनाएं प्रभावित हो रही है, और वैसे कैराना नूरपुर और गोरखपुर में तो आप लोग हैं नैतिकता की बात करते हैं, लापरवाही पर सारी बात चाहिए, और वैसे कैराना नूरपुर और गोरखपुर तो आप लोग हैं संवेदनशीलता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, यही आपका असली चार्ज देश चेहरा है। जनता आपको समझ चुकी है, आपको जवाब देने करें बात अभी। ठीक है देवेंद्र जी, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी इसी पे हम थोड़ा रहते हैं। जगदेव जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्या वजह है कि एक के बाद एक घटनाएं आ रही, जबकि अगर सरकार के हम किसी भी घटना के बाद बयान की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री के बयान की बात करें, तो इतनी प्रतिबद्धता दिखती है उसमें, लगता है कि सरकार तो नहीं चाहती कि इस तरह का, और सरकार पूरी तरह कड़ी है, फिर ये कमजोरी या फिर कहें कि कमी कहां पर रह रही है? देखिए ये आम नागरिक के जनजीवन का मामला है, जीवन सुरक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य शिक्षा कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता होती है, पहली जिम्मेदारी होती है। और जब इतनी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही हैं, गोरखपुर में आपने देख लिया, ऑक्सीजन के अभाव में, भ्रष्टाचार के अभाव में कई सैकड़ों बच्चों की जान गई, अभी उन्नाव में तार की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे थे, आपके लखनऊ में क्या स्थिति हुई, तमाम ऐसे घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं, न कोई भविष्य की कार्रवाई करते हैं, जबकि इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हम प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले में सरकारी अस्पतालों में सुविधाजनक काम करेंगे। बजट क्या है, जो 100 करोड़ का बजट था उसको 69 करोड़ कर दिया, जब बजट घटाएंगे स्वास्थ्य सेवाएं कहां करेंगे? आप याद करिए अखिलेश सरकार में 108 एम्बुलेंस सेवा तुरंत आ जाती थी, आज लोग उसमें ट्रैक्टर पे और उसमें ये 100 वाहन नहीं मिल रहे हैं, और फ्रिया में ला रहे हैं लगातार, आपके चैनल सब दिखा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही संवेदनशील मामला है, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, हैलेट उत्तर प्रदेश का में एक अच्छे अस्पतालों में आता है, और कानपुर देहात कई जिलों के लोग आते हैं, वो मेडिकल कॉलेज है, एक नैतिक जिम्मेदारी है उस अस्पताल के प्रिंसिपल की, इसको करना चाहिए। कि जहां तक कानपुर अस्पताल का सवाल है, वहां हौसला भी है, और ये घोर लापरवाही का मामला है, ये संवेदनहीनता का मामला है, और भ्रष्टाचार का मामला है। आज ऐसी लग गए, अरे आईसीयू में कौन मरीज जाते हैं? वो जाते हैं जिनके जीवन की बहुत व्यवस्था होती है। आईसीयू जैसे संवेदनशील इशू पे आप लगातार एसी नहीं लग रहे हैं, कई दिन लग रहे हैं, इससे ज्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है? आज दवाइयां नहीं मिली, अखिलेश सरकार में दवाइयां फ्री थी,
सारी जांचें भरी थी, एम्बुलेंस सेवा थी, उसको डीजल नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूँ सरकार सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती है, और ये जनता के जीवन साथ खिलवाड़ है। मैं सोचता हूँ जनता ने इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ। और ऐसे विषय हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन सुरक्षा के साथ आज लोग क्या करते हैं, बगल में रिजेंसी है, हालत में नहीं आते, हालत में रिजेंसी जाते हैं। हाँ। और जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, सारी चीजें, ये मामला केवल भ्रष्टाचार लापरवाही का है, कार्रवाई होनी चाहिए। एक कमेटी बनाई है एडीएम सुनील दस्ताव में, सब जांच करवा जाएगी, जांच के बाद क्या करते हैं वो भी देखना होगा। ठीक है, मैं क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। डॉक्टर सैनी के पास जाना चाहूंगी, महामंत्री सीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर सैनी, किसे हम जिम्मेदार ठहराएं इसे? एक आईसीयू आप तो खुद जानते हैं कि कितनी क्रिटिकल वो यूनिट है, और वहां पर एक एक गलती को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, और वहां एसी खराब है, ये किसकी जिम्मेदारी? हम एसी खराब होना वहाँ का जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसके ऊपर जो है विशेष रूप से जाता है, उसने किन लोगों से एसी बनवाया, उसके ऊपर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाता है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को किस तरीके से प्रॉपर चेकअप किया नहीं, कि एसी कैसे खराब हो गया, और खराब हुआ तो सप्लीमेंट्री चीजें क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि आईसीयू में जो मरीज होते हैं वो पूरे जीवन मरण से है, जैसा कि मिस्टर यादव जी ने बोला, तो एसी का एक ऑप्शन रखना चाहिए, खराब हुआ तो दूसरा होना चाहिए, दूसरे पे शिफ्ट करना चाहिए। तो ये सब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट हम मानेंगे कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली फॉल्ट है। दूसरी बात, अगर चेताया जाता है तब भी लोग नहीं सुनते हैं, जैसे कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज भी है कि जो केजीएमयू यूनिवर्सिटी हो गया है, यहाँ रिसर्च के नाम पर जांचें ली जाती हैं। 7 अक्टूबर 2017 को एक प्रकरण हुआ, आई नेक्स्ट में आया, मैं भी एक मरीज को भेजा जो वहाँ गोरखपुर का रहने वाला था, जो उससे की जांच के नाम पर पीएफटी की जांचें और सब जो जांचें होती हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसके लिए हमने भेजा। वहां मरीज को, मरीज से पैसा लिया गया, उसका मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन देने को मेरे पास एक लेटर आया कि आप एफिडेविट पर अपनी कंप्लेंट नोट करिए। तो यह इतना अगर चेताने के बावजूद और आदमी नहीं काम करता, एडमिशन नहीं काम करता है, इसका प्रमुख जिम्मेदार कौन है? इसका प्रमुख नहीं, इसका इतनी अनियमितता क्यों है? इसका प्रमुख जिम्मेदार तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है। अगर किसी को चेताया जाता है, भट्ट साहब जो वीसी हैं उनको भी लेटर लिखा गया, वो अभी तक कॉन्स्पिरेसी में रखे हुए हैं, वहाँ की जो एचओडी है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मरीज भेजने पर प्रकरण होता है, आईजीआरएस में मैंने कंप्लेंट की, हर में मैंने कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं आज की डेट में प्रधानमंत्री को भी रजिस्ट्री करूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे पीआईएल होती है। बिल्कुल, अगर चेताने के बाद भी अगर काम नहीं करता है तो बिल्कुल डॉक्टर सैनी, जो हमें दिख रहा है दरअसल स्थिति उससे भी बुरी है, और आप ही हमें अंदर की कई सारी बातें ऐसी बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। तो गोस्वामी जी, यहाँ पर एक के बाद एक घटनाएं आती हैं, फिर लापरवाही का नाम उन्हें दे दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वाकई में कड़ी कार्रवाई हुई होती तो क्या पिछली घटनाओं से अब तक हमने सबक नहीं लिया होता? क्या आज आप और हम मिलकर इस मुद्दे पर बहस करते ऐसी स्थिति नहीं आती? स्थिति ये उत्तर प्रदेश की मैं विडंबना मानता हूँ, ये खाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और इस पर आप देखें तो इसलिए लंबे समय से मैं देखता चला आ रहा हूं कि ये घटनाएं होती हैं, और इन दोनों विभागों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये सब लोग जानते हैं, ये छिपा हुआ तथ्य नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इस पर सुधार की तरफ कहीं दिशा या कोई प्रभावी प्रयास या सार्थक नीति आज तक नहीं बनाई गई। एक बात आप ये देखिए कि गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए, लापरवाही की पराकाष्ठा। आप कानपुर में ऑक्सीजन की कमी मतलब खराब हो जाने से वहां 5 लोग मर गए। एक दिन पहले केजीएमसी में डॉक्टरों और कर्मचारियों के विवाद में 3 लोग मर गए। बिल्कुल, टार्च से उन्नाव में ऑपरेशन हो रहे हैं, फरुखाबाद में मर गए, मतलब एक नहीं ऐसी अनेकों घटनाएं हैं कि जहां लोग मर रहे हैं। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि एसी अगर हैलेट मेडिकल कॉलेज में खराब हो गया तो 2-4 घंटे में मरीज मर नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो मेरी जानकारी है कि इसकी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन
उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये व्यापक भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। लेकिन एक बात प्रीति जी जरूर है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह जी हो और चाहे वो टंडन जी, आशुतोष टंडन, इनकी ईमानदारी के बारे में तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, ये तो सच है। लेकिन एक उनकी, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होती है यहाँ पर गोस्वामी जी, एक आपका एक सलाह आप दे रहे हैं, उसको कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है ये भी एक अपने आप में बात है। अगर आप उस विभाग में बैठे हैं, महज आप ईमानदार हैं, इसलिए तो फिर आपको छूट नहीं दे दी जा सकती या फिर बरी नहीं किया जा सकता। नहीं प्रीति, प्रीति नहीं प्रीति, मैं यही आपने बीच में कह रही, मैं यही कहने जा रहा था। लेकिन लेकिन बावजूद उसके अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए मुखिया दोषी होगा, उसके ऊपर ठीकरा फूटेगा और उसके लिए जिम्मेदार भी मंत्री ही होंगे क्योंकि वो उसके विभाग के मंत्री हैं। लेकिन स्थित प्रीति जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे आप हो जाए, चाहे हम हो जाए, जब तक हम जो इन विभागों में और विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि दवाइयों की खरीद में, आप मशीनों की खरीद में, मुझे मालूम है अभी मैंने आज ही जब डिबेट पे आने से पहले दो एक लोगों से जो इसके जानकार थे बात करी तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ एक कंपनी है जो पीजीआई में, मेडिकल कॉलेजों में और वहां पर सारे सप्लाई का काम, मशीनों की सप्लाई का काम, वहां के जो फार्मेसी है उसका काम वो एक ही कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को एंटर तक नहीं होने देती। इतना ताकत है इसमें, मंत्री नहीं, इसमें मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ऊपर से जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां से लेके नीचे तक व्यापक स्तर पर इवन चपरासी तक उस भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं हिस्सा है। बिल्कुल, तो लेकिन गोस्वामी जी भी सवाल यही है कि उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम सरकार चुनते हैं और उसी शख्स को मंत्री किसी पर्टिकुलर विभाग का बनाया जाता है जो लगता है कि उसको सही तरीके से संभाल सकता है। ठीक है, आप ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार आपके राज्य के कालकाल में हुआ है तो उससे आपको बरी कर दिया जाए। सवाल यही है कि क्या सिद्धार्थनाथ सिंह अपने विभाग को फिर अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वजह है कि साल भर बीतने के बाद भी स्थितियां नहीं सुधर रही? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्रमोद जी, मैं ब्रेक के बाद फिर आऊंगी आपके पास। खाली एक सेकंड इससे बात जी, एक सेकंड खाली बात कहना चाहूंगा, इसमें सिद्धार्थनाथ सिंह जी अकेले नहीं, कोई सिंह आ जाए उसको, क्योंकि जो भ्रष्टाचार व्यापक नीचे से व्याप्त है वो ऊपर से वहां तक, उन तक वो चीजों जब पहुंचती है तो उसको जस्टिफाई इस ढंग से कर दिया जाता है कि वो वहां पे जाके शांत हो जाते हैं। इसमें एक व्यापक और स्थायी नहीं तो कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नजीर क्यों नहीं पेश कर पाए स्वास्थ्य मंत्री? हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि अपने मंत्रालय को, अपने विभाग को संभालना चाहिए था जो नहीं हुआ। पिछली घटनाओं में ऐसी नजीरें पेश नहीं हुई कि आगे कोई भी गड़बड़ी करने वाला डरता उससे। जी ठीक है जगदेव जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कानपुर के हेरिट अस्पताल में जो भी घटना हुई है उसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या वाकई में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर बीमार हो गई है कि उसका कोई इलाज ही संभव नहीं है? क्या एक लाइलाज बीमारी यहां पर हो चुकी है जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो राकेश जी, जो आज की घटना है, आप एक बार फिर से पिछली घटनाओं की तरह आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप इसके अलावा कह सकते हैं कि बाकी राज्य में जिस व्यवस्था का आपने दावा किया था, जो हमसे वादा किया था, वो आपने पूरा किया है और बाकी जगह स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है? क्या ये बात कह सकते हैं आप आज एक साल बाद? देखिए प्रीति जी, मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ कहूं, हमने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब उत्तर प्रदेश हमको किस हाल में मिला था ये जगजाहिर है। उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम के घोटाले के लिए तीन तीन सीएमओ की हत्या इसी उत्तर प्रदेश में तो हुई है। स्वास्थ्य विभाग को किस तरह दुधारू गाय की तरह देखा जाता हमें था, ये सारी चीजें नहीं चाहिए था। हमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार में आए हुए केवल 14 महीने हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ निवेदन से, हमें उत्तर प्रदेश में आए हुए केवल 14 महीने हुए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ चिकित्सा और शिक्षा, ये दो ऐसी व्यवस्था है।
आप सुन भी नहीं पा रहे आपके लिए तो हर मौत जो है वो आपके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच हो सकती है, आपके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच हो सकता है, लेकिन मैं विनम्रता से आपके भी यही तेवर जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप चर्चा में आए, तब ये आपकी बातें हुआ करती इस मामले में। मैं देखिए एक बात प्रीति जी देखिए गोरखपुर के मसले में भी हमने केवल न केवल सस्पेंशन ही किया बल्कि FIR दर्ज करा करके गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। मैं फिर जाने जाने के बाद इस मामले में भी कानपुर के मामले में अगर किसी के भी राकेश जी सवाल यही है ना कि मौतों के बाद फिर आप जाग रहे हैं, क्या पता नहीं हो रहा कि अंदर क्या चल रहा है, सिस्टम में कहां पर खामियां हैं कि पता नहीं लगा पा रहे हैं आप जी। राकेश जी देखिए मैं अगर प्रीति जी अगर कहूंगा आपसे तो आप कहेंगे कि राकेश त्रिपाठी असंवेदनशील है, लेकिन मैं जब ये कहूंगा कि 4500 मौतें हुई थी अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जब उन्होंने सत्ता छोड़ी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और 1800 मौतें हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये 1800 मौतें क्या हुआ सरकार का, आप ये भी बताना राकेश जी सरकार का क्या हुआ, जनता ने उसको क्या खिला दिया, जनता ने क्या खिला दिया, नहीं राकेश जी पूरी बात सुन ली, वो नहीं चाहिए थी ना सरकार बदल दी सरकार ना, मैं मेरा आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं 4500 मौतें जिस राज्य में एक साल में होती थी जापानी इंसेफेलाइटिस से, हमने 93 लाख टीकाकरण 38 जिलों में करने के बाद अगर मौतों के आंकड़ों को कम किया है तो ये सकारात्मक हम अगले वर्ष इन आंकड़ों को और कम कर लेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में एक भी मौत जापानी इंसेफेलाइटिस से न हो, हम इस संदर्भ में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, सैनिटेशन के लिए हमने जो प्रयास शुरू किए हैं, जागरूकता के संदर्भ में जो प्रयास शुरू किए हैं, सामुदायिक केंद्रों पर जिला चिकित्सालय राकेश जी बीमारी होती महामारी होती एक एक जिंदगी कितनी कीमती है उसके परिवार वालों से जाके मिले तो हमें इसका एहसास हो जाएगा, लेकिन जब मानवीय गलतियों से जानबूझकर लापरवाही से जान जाती है तो बहुत ज्यादा खलती है और उसे सीधे सीधे हत्या ही कहा जाएगा। गोरखपुर की बात करें, कानपुर की बात करें, फरूखा की बात करें, कोई महामारी नहीं फैली थी यहां पर, सीधे सीधे लापरवाही थी जिसने जान ली है। देखिए प्रीति जी मैं एक बात को बहुत स्पष्टता से कहूं, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्य संस्कृति में जवाबदेही के सिद्धांत का अभाव रहा है, हम उसको लगातार ठीक कर रहे हैं। कल 2 जिलाधिकारियों का निलंबन और 1 दर्जन उनके साथ सहयोगी अधिकारियों का निलंबन इस बात का प्रमाण है कि हम किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार लापरवाही को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मैं इस मामले में कानपुर के मामले में भी अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सिद्ध होती है तो कठोर कार्यक्रम कार्रवाई होगी, केवल निलंबन नहीं होगा, FIR भी होगी, जेल भी जाएंगे, लेकिन हम इस मामले में जल्दबाजी ना करें। तथ्य क्या है, मौतें किन कारणों से हुई हैं, इन बातों को देख लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस तरह से BRD की मेडिकल कॉलेज के मामले में भी बार बार ये तथ्य रखे जाते रहे कि ऑक्सीजन की कमी के नाते बच्चों की मौत हुई है, वो सत्य नहीं था, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई थी, ये एक गंभीर चूक थी और इस गंभीर चूक के लिए हमने मुकदमा भी दर्ज कराया और गिरफ्तारियां भी हमने इस मामले में कराई है। यहां भी AC का खराब होना नहीं, ठीक है देवेंद्र जी, तो कुल मिलाकर नहीं, आप देखिए आप दो चीजों को एक साथ कोरिलेट करते हैं। देखिए AC का प्लांट फेल हो जाना ये एक मैकेनिकल गलती है, लेकिन AC के प्लांट के मरम्मत न होना या उसमें अगर किसी भी प्रकार से कोई अगर लापरवाही बरती गई है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी गलती है, ठीक है राकेश जी। मैंने क्या कहा, जब आप जबरदस्ती ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं कि लोगों की जान चली जाए तो वहां पर तकलीफ और बढ़ती है, यही मेरा सवाल था आपसे कि बीमारी फैली उसमें जान चली गई। मेरा इतना कहना है जी, नहीं मेरा इतना कहना है प्रीति जी कि ये मानवीय चूक से, मानवीय लापरवाही से, कार्य में उपेक्षा से या मैकेनिकल कारणों से या स्वाभाविक कारणों से मौत हुई है, इन बातों का जब तक फैसला ना हो जाए किसी भी जल्दबाजी में किसी रिजल्ट तक पहुंच जाना मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। 4 सदस्यीय जांच रिपोर्ट कल अभी कल शनिवार तक रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसी जगह में ऐसी नहीं चल रहा है, सोचिए आप और हम अगर अभी आधा घंटा AC बंद कर दे तो क्या स्थिति हमारी होगी। जी जगदेव जी कुल मिलाकर ये कि जो आप AC बंद कर देने से जान नहीं जाती है तो मत लगाइए कमाल कर रहे हैं राकेश जी, बंद करने से जान नहीं जाती है, स्थिति का इंसान होता है आईसीयू में, आप ये मेरे स्वस्थ इंसान आज देश का
91 फीसदी हिस्सा 90 फीसदी हिस्सा एयर कंडीशन के रहता है और इससे पहले जो एयर कंडीशन नहीं था राकेश जी आईसीयू और सामान में आईसीयू में वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ है वो लोग होते हैं जी वेंटिलेटर होती है। देखिए राकेश जी इतना तो आप बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन ठीक है ठीक है जगदेव जी कुल मिलाकर आपने ठीक बात है, लेकिन मौत हो जाएगी इसके कारण से, मौत हो जाएगी इसके कारण से इस नतीजे तक पहुंच जाना मुझे आता ही है जल्दबाजी है, मौत के कारण क्या है ये बातें निकल कर आ जाने दीजिए ना। वहाँ तीमारदार कह रहे पंखा झल रहे आईसी में, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, मैंने तो पूरी जिम्मेदारी से कहा, मैंने तो पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है, आप मेरे साथ अपने कपड़े चाहेंगे तो जरूर चलेंगे। ठीक है जगदेव जी, जगदेव जी जगदेव जी जवाब देंगे, जगदेव जी आंकड़े गिना दिए राकेश जी ने और कुल मिलाकर ये कहा कि आपने इतनी बुरी स्थिति में राज्य को छोड़ा है कि पता नहीं अभी कितने कार्यकाल और लगेंगे इन्हें, एक साल में तो नहीं सुधर सकते। देखिए प्रीति सामान्य मौत में इस तरह घटनाओं में बड़ा अंतर होता है, 5 साल समाजवादी पार्टी के सचिव मुख्यमंत्री ने चलाई, लेकिन इस तरह की एक भी घटना ही बता दी। छोड़िए समाजवादी पार्टी के उन्होंने सेवा चलाई थी और हिंदी चला जा रहा है, सारी जाते थी और ये नहीं कह रहा है और उन्होंने समय नहीं लिया, ये बच्चा हो रही है भ्रष्टाचार कर दिया, इनके मंत्री इनके विधायक कह रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर दर्जा को जाने काम करते हैं, ये काम कर दिया और माननीय सरकार में नहीं हुआ, इनको मानना चाहिए, क्या भ्रष्टाचार का मामला हो, क्या कानून व्यवस्था का मामला हो और चाहे किसी तरह के मामले हो, रोजगार का मामला हो, ये काम करके अगर सरकार ने कहा है और बेहद करने जमीन तैयार कर ली थी उनसे बनाने के लिए, क्या जो केंद्र सरकार थी उन्होंने अस्पताल बनाया, जो काम करके दिखाया है मुख्यमंत्री ने वो शायद उसकी ये परछाई नहीं पाए, ये योगी जी है इनके दल का शासन नहीं है, इनका दल है जनता ने दिखा दिया, ये भ्रम करते हैं, फर्जी प्रचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, ये मर रहे हैं, ये इससे राजनीति कर रहे हैं, उसको बचाना चाहिए, आगे सुधार करना चाहिए, इतनी गलतियों को समय देना चाहिए, चाहे उन्नाव का हो, चाहे फरुखाबाद का हो और चाहे कानपुर का हो, समय देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ये न करके झूठे आंकड़े दे रहे हैं, फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, ये उत्तर जब आप सत्ता में होते हैं विपक्ष में होते हैं तो बस चेहरे बदल जाते हैं, हमने काम किया है सरकार ने, काम में उनका काम करके दिखाया है, सारे लोग जानते हैं, आज के बाद उनसे सुधार करके हम पुराने से मुकाबला करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, क्या घटना हो रही है, तो सामने हो रहा है, इसके अलावा संविधान है, भ्रष्टाचारी और लापरवाही का मामला तो हो नहीं सकता, धर्मपुर का मामला है, निराकारी का मामला है, गंभीर मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं करेंगे जो सुधार सरकार में बंदी का उसके खिलाफ जांच करते हैं, उसको जेल कर देते हैं, ये कौन सी सरकार है भाई, ये कैसी व्यवस्था है, ठीक है बाकी को भी सुन ले जगदेव जी। हाँ देवेंद्र जी बोलिए, लोग ठेला भी लाइसेंस ले जा रहे हैं, हो गया जी बोले देवेंद्र जी, इस बिल्कुल संवेदनशील और इस महत्वपूर्ण डिबेट पे मैं आपके खुद इस चैनल से और जिस तरीके से आप इस संवेदनशीलता के साथ एक भावनात्मकता के साथ में जो हमारे कांग्रेस जो भाजपा के प्रवक्ता से जो आप प्रश्न पूछ रही थी ऊपर से ये खुद ही प्रदेश के जनता और प्रदेश के विपक्ष के ऊपर सारे अपने आरोप अपनी नाकामियों का टीकरा ये विपक्ष के ऊपर और लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सीधा सीधा वन टू वन में जब करना चाहूँ आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये जवाब देंगे? मैं कहना चाहता हूं कि एक कंपनी है पीओसीटी प्राइवेट लिमिटेड जो पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिसिन सप्लाई हो, लेबोरेटरी सप्लाई हो, चाहे वो कुछ भी जितने भी इक्विपमेंट्स की सप्लाई होती है एक ही फर्म को और वो सारे नियम कानून को ताक पे रख करके उनको दिया गया है, क्या उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है? दूसरी मैं आपके चैनल के माध्यम आपके माध्यम से उनके प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक अवनी परिध करके कंपनी है प्राइवेट कंपनी मैन पावर सप्लाई करती है जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में लगभग लगभग जितने भी एनआरएसएम के तहत में आउटसोर्सिंग करके लोगों को वहां पे जो है स्वास्थ्य कर्मियों को अपॉइंट किया जाता है,
वो जो है उस पर पूरा मंत्रालय से लेकर के डायरेक्टरेट से लेकर के प्रमुख शासन से लेकर के जो उसका समय खत्म हो गया था और उसके बाद भी उसको आउट ऑफ टर्म जाकर उसको समय बढ़ाया गया है और क्या उसमें और उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। क्या ये इनकी स्वच्छता, इनकी पारदर्शिता, इनकी निर्मलता, इनका चेहरा क्या यही है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाना और ये जो है ये कुछ भी करेंगे जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी। राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी का सवाल नहीं, देवेंद्र जी भाषण कर रहे थे, देवेंद्र जी कुछ कंपनियों के नाम ले रहे थे, भगवान जाने ये कंपनियां कौन सी हैं और इन कंपनियों के साथ इनके क्या संबंध हैं, इनके क्या दोस्ती है या क्या दुश्मनी है, इसलिए क्यों उन्होंने नाम लिए हैं। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, विपक्ष है जिम्मेदारी का निर्वहन करे। लोकतांत्रिक कई तरीके इन्होंने कहीं कोई लिखित शिकायत दी है, कहीं कोई ज्ञापन दिया है, कहीं कोई लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे हैं, कहीं हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है, नहीं केवल टीवी चैनल पर बैठ करके। हो सकता है इनके कुछ उसमें हिस्सेदारी हो या इनका कुछ विरोध हो, इस नाते ये इस प्रकार का जो है विरोध उसमें उत्पन्न कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई खामी है, कमी है, भ्रष्टाचार की शिकायत है तो लिखित तौर पर आप उसको दीजिए, उसका समाधान होगा। ठीक है देवेंद्र जी, अब तो राज्यपाल भी खुद कर देते हैं, मुख्यमंत्री से शिकायत आप भी दे दीजिए, कार्रवाई जरूर होगी यहाँ पर। ठीक है डॉक्टर सैनी, आपसे जानना चाहेंगे। प्रीति जी राजपाल जी, हमारे महामहिम राजपाल जी, जो अखिलेश भाई की सरकार थी, जो तो हर हफ्ते जाकर के दिल्ली में वहाँ राष्ट्रपति से और वहाँ प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से ठीक है डॉक्टर सैनी आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से मैं सच पूछ रहा हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर ये आरोप लगा दे रहे हैं। ये चलिए ये तो चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है ठीक है, राज्यपाल ने भी की थी, आप भी की थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुबह थोड़ी टेक्निकल बातें हो जाए। ठीक है, 7 अक्टूबर का INSTA पढ़ लीजिए। 7 अक्टूबर के बाद मैंने शिकायत की, IGRS में शिकायत की, हमसे एफिडेविट पर शिकायत मांगी कि आपने किया है कि नहीं किया है, हमने दिया पेपर में गजट हुआ कि MLB 7 अक्टूबर से मैंने शिकायत की। 7 अक्टूबर से आज पूरा एक साल करीब 5 साल होने जा रहा है। 7 अक्टूबर से IGRS में शिकायत की, वहाँ के BCML भट्ट ने कहा HOD को बुलाया जाएगा, फिजाल जी के HOD उनकी जांच की जाएगी। आज तक ठंडे बस्ते में क्या शिकायत का निस्तारण करते हैं आपको, क्या शिकायत करते हैं निस्तारण करते हैं शिकायत की, वहाँ के BCML भट्ट ने कहा HOD को बुलाया जाएगा, फिजाल जी के HOD उनकी जांच की जाएगी। आज तक ठंडे बस्ते में क्या शिकायत का निस्तारण करते हैं आपको, क्या शिकायत करते हैं निस्तारण करते हैं आपके प्रधानमंत्री के पास जाएगा, जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। एक अधिकारी जो खुद लिखित प्रधान जो है संवेदनशीलता के साथ जनता के हित के लिए ML भट्ट कह रहे हैं जांच की जाए, 9 महीने हो गए जांच नहीं करते हैं, HOD के खिलाफ होती है तो बहुत समय लगेगा। हर कोई यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं तो सबको मौका मिलेगा। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। देखिए नहीं ठीक है, अब देखिए सब मेहमान आए तो सबको मौका मिलना चाहिए। प्रमोद जी ठीक है, करने के बाद एफिडेविट लिया जाता है हमसे। प्रमोद जी शिकायत की कि नहीं की बताइए, स्थिति खराब है। प्रमोद जी यहाँ पर क्या वजह है, क्योंकि हम देख रहे हैं डॉक्टरों की कमी थी और कमी बनी हुई है, भ्रष्टाचार था वो बना हुआ है। जी डॉक्टर सैनी, लेकिन इसमें
अगर कैबिनेट मंत्री भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सब उसके ऊपर एफआईआर। राकेश जी से मैं जवाब लूंगी इसका, ठीक है, क्योंकि प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, जो चीजें पहले से चली आ रही थी, क्या आपको लगता है कि कहीं कोई बदलाव हुआ है? डॉक्टरों की कमी है, खुद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, और कहते हैं कि अभी हम प्राइवेट अस्पताल में हमारा बहुत सारा जनसंख्या का हिस्सा वहां डिपेंडेंट है, तो फिर फर्क क्या आया यहाँ पर? और अगर फर्क नहीं आया है तो जड़ कहाँ है? ठीक है, उसकी जड़ कहाँ है? प्रमोद जी आपसे समझना चाहूंगी। क्या हो सकती है? प्रीति जी ये बात सही है, सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में 18,000 डॉक्टरों की जरूरत है कम से कम, और उसके एवज में 11,000 डॉक्टर हैं, लगभग 7-8,000 डॉक्टरों की कमी है जी, बिल्कुल, और जो पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर जो है वो अपने समय से ज्यादा काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चिकित्सकों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह मैं समझता हूं कि नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद जो स्वास्थ्य विभाग इतना आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा संवेदनशील है, उसमें ये बात मैंने पहले कही, और शायद अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने और सैनी जी ने, दोनों ने जो शायद मेरी बात का ये इन्होंने प्रमाण भी दिए कि ये मेरे प्रमाण हैं। इस पर राकेश त्रिपाठी जी से मेरा ये जरूर अनुरोध है कि इस मामले में कम से कम जो ये बहस आज बहुत अच्छी बहस हुई है, कम से कम इन तथ्यों को सामने रखा गया है। एक मतलब सरकार के प्रति होने के नाते मैं समझता हूं कि जरा भी संवेदनशीलता सरकार में अगर होगी, और आपसे मैं समझता हूं कि राकेश त्रिपाठी इस मामले में संवेदनशील लोगों में प्रवक्ताओं में है, ये इस मामले को सरकार में रखेंगे, और कम से कम इस मामले में जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं ये शुरुआत या कड़वा घूंट पीना पड़ेगा सरकार। आरोप प्रत्यारोप ही नहीं करेंगे, खाली आरोप, हाँ इस बात सहमत हूँ कि आरोप और प्रत्यारोप से खाली बहस को समाप्त कर देने से तो इस बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, समाधान निकलना चाहिए। जैसा कि सैनी साहब कह रहे हैं कि अभी हमने पिछले 9 महीने से हमने लिखित शिकायत कर रखी है, हो सकता है कि सैनी साहब की शिकायतें बिल्कुल गलत हो, या कहीं ना कहीं इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो उसकी 9 महीने में जांच होकर सैनी साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली ये लीपा पोती जो हो रही है, और ये खाली, मैंने पहले प्रीति जी ये बात कही कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें कोई भी सरकार हो, कम से कम स्वास्थ्य जैसे महकमे के मामले में इन चीजों को, इसमें खाली सरकार को डिफेंड करना या सरकार की प्रशंसा करना या पिछली सरकार की आलोचना करना, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। खाली हम अपने की फेस सेविंग कर लें, लेकिन सत्यता ये है कि मुंह पे काली पुती रहेगी, बिल्कुल, भले ही आपको दिखाई दे या न दिखाई दे, बिल्कुल ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस मामले में सरकार को चाहिए कि जैसे कि अभी इन दोनों प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के और जो ये चिकित्सक भी हैं और स्वास्थ्य विभाग महकमे के एक अधिकारी भी हैं, अगर इन लोगों ने कोई बात कही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये इनके हो सकता है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहीं देवेंद्र जी का इन्वॉल्वमेंट हो, हम मान लें, तो अगर जांच हो जाएगी तो सामने आ जाएगा देवेंद्र जी दोबारा बोल नहीं पाएंगे, और अगर सत्यता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज ये इस डिबेट को सरकार को अगर सुन रही है तो इस डिबेट को दोबारा रिपीट करके देखे और उस पर जांच करे, और अगर सही है तो उस पर सख्त कार्रवाई करे बगैर किसी दबाव में। लेकिन प्रीति जी सत्यता ये है कि नीचे अधिकारियों से लेकर सरकार भी कोशिश करेगी, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारियों से लेकर नीचे तक स्थिति यह है कि वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है किसी निष्पक्ष एजेंसी से जो भी आज आरोप लगे हैं उनकी जांच करा दे। जी बिल्कुल, जितना बुरा आरोप लगना है उससे भी बुरा है कि उन आरोपों की सुनवाई ना होना, और ये आरोप आप लग रहे हैं, आप उस स्थिति में नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप करें। डॉक्टर सैनी ने जो कहा, तो क्या यहाँ पर जो बातें खुलकर सामने आ रही है वो सरकार तक नहीं पहुँचती है क्या? राकेश जी देखिए, डॉक्टर सैनी ने कौन सी शिकायत की है ये मेरे संज्ञान में नहीं है जी, इनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताएंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका फॉलोअप भी कराऊंगा, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो भी समस्या इन्होंने की है वो समाधान की तरफ जाएगी, उस समस्या में इनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट अगर होंगे तो वो भी जाहिर होंगे, और अगर सार्वजनिक हित है तो निश्चित तौर पर उस पर भी समाधान होगा। मैं प्रमोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपके ही चैनल पर इसमें ब्रेकिंग न्यूज में कवरेज चल रही है। मैं केवल इसकी बात और साथ जोड़ू, देखिए आज सुबह से ही, कल शाम से ही और आज सुबह तक इस बात की खूब खबरें चल रही थी,
कि किस प्रकार से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने घूस क्लिक की डिमांड की है और शाम तक अभी आज आपके चैनल पर इस समय वीडियो और खबरें तक आने लगी है कि किस प्रकार से खबरें क्रिएट होती हैं, किस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, किस प्रकार से शिकायतें की जाती हैं। मेरा मानना है ये सारा मामला जो है पुलिस दबाव में है, बाहर के डर से क्या नहीं चलता है, सभी जानते हैं पुलिस जो जाती है सारे की मामला साफ करिए। डॉक्टर सैनी क्या आपको लगता है कि सिस्टम सुधरेगा या लगता है कि अभी तो बहुत वक्त लेगा? सुधार की तरफ इनकी मनोवृत्ति होगी तो एकदम सुधरेगा। और मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थाएं जहां पारदर्शिता होनी चाहिए, जहां से चिकित्सक चिकित्सा पढ़ के चिकित्सक की किताबें पढ़ के बाहर जाते हैं, वहां भी अगर ये गलतियां रहेंगी तो ये बाहर जाके क्या करेंगे? उसी तरह के भ्रष्टाचार करेंगे जो अपने मेडिकल कॉलेज में सीखे हुए हैं कि उनसे पैसा लो, वहां ये देखो, वहां मैनेजमेंट में करो। तो जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, वहां के जो चिकित्सक है बहुत स्पष्ट छवि के होने चाहिए ताकि कोई उनको लेकिन तक ना कह सके। अगर लेकिन कहता तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे, तब हम जाके बाहर जाके उस तरह के कार्य करेंगे। और ये मनोवृत्ति अगर अच्छी काम की होगी तो अच्छा काम निश्चित रूप से होगा। मैं प्रमोद गोस्वामी जी के बातों से सत्यशत सहमत हूँ कि ये स्वास्थ्य विभाग प्राइमरी है और प्राइमरी जब रहेगा तो प्राइमरी समझेंगे तभी प्राइमरी होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, वक्त इतना ही है। तो राकेश जी, जो भी विभाग है उनका वही चेहरा सामने आता है, वही सोच सामने आती है जो सरकार की रहती है। तो ऐसे में आप आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में नहीं बल्कि एक्शन लेने की स्थिति में है, और इसके लिए भी तैयार रहे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही।